Namaste bachcho, this is Ayushi Agarwal, M.Tech in Bioprocess Engineering from IIT Roorkee and here your science mentor at Shikshak Junction, kyunki ab nahi to kab. Last lesson mein humne apna ek topic start kiya tha class 8 ka. Kya tha wo? Food, hai na? Food, in fact food production and management. Is topic mein humne introduction aur क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सीजन्स इनटू व्हिच दे आर ग्रोन और दे आर कल्टीवेटेड और हार्वेस्टेड है ना ये चीज हमने देखी थी कैसे क्रॉप्स को क्लासिफाई किया था हमने रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप ठीक उसके बाद हम आए थे अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर ठीक क्रॉप्स को क्लासिफाई करने के बाद हमको कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं फील्ड में ताकि हमारा जो क्रॉप है वो प्रॉपरली ग्रो करे वो आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर ठीक है इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में भी हमने अपनी जो फर्स्ट प्रैक्टिस थी मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये भी डिस्कस किया था कैसे हमने अपनी सॉइल को प्रिपेयर किया ताकि हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो हो ठीक है अब हमारी मिट्टी तैयार है क्रॉप के ग्रो करने के लिए अब हमें क्या डालना है उसमें बीज डालने हैं मींस हमको क्या करना है अब उसमें सोइंग करना है किसकी सोइंग ऑब्वियसली उन क्रॉप्स की सीड्स की सोइंग करनी है ठीक है मिट्टी हमने अपने पिछली वीडियो में तैयार करी थी आज हम अपने प्लांट के जो भी हम अपनी फील्ड में उगाना चाहते हैं उसके बीज डालेंगे अपनी फील्ड में ठीक है तो सोइंग क्या हुआ हमारा सोइंग इज द एक्ट ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू आवर फील्ड इट इज टर्म्ड एज दिस सोइंग मेथड क्लियर व्हाट एक्चुअली सोइंग इज अब हम सोइंग करने के लिए सबसे पहले बात आती है इन सीड्स की ठीक है तो हमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान में रखनी होगी कि जो ये सीड्स है ना वो हाई क्वालिटी सीड्स हों ठीक है अनलेस एंड अनटिल किसी भी क्रॉप की सीड्स हाई क्वालिटी या फिर HYV अगर आज के मॉडर्न टर्म्स में बोलें तो अगर वो HYV हाई क्वालिटी में होनी चाहिए और हाई यील्डिंग वैरायटी ये क्या है हाई यील्डिंग वैरायटी ठीक है ये Y स्टैंड्स फॉर दिस यील्ड यील्ड का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर क्रॉप जब हार्वेस्ट हो तो हमको कितना उससे मिले ठीक है एक फील्ड में जितना हमने जिस एरिया में उसको प्लांट किया है उससे हमें कितनी यील्ड मिले कितनी पैदावार हो उस क्रॉप की वो होती है यील्ड तो हमारी जो सीड्स हैं वो दोनों होनी चाहिए एक तो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए और HYV सीड्स होनी चाहिए मींस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होनी चाहिए ये हाई क्वालिटी सीड्स का मतलब क्या होता है इन सीड्स जो हो वो पैथोजन फ्री हो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है हमारे लिए अपनी सीड्स को सिलेक्ट करते टाइम अगर सीड्स पैथोजन फ्री नहीं होंगी तो ऑब्वियस ही बात है उससे जो हमें क्रॉप मिलेगा वो भी डिसीज्ड क्रॉप होगा तो इतनी मेहनत करने का सीड्स को पहले हमने लगाया फिर उसको पानी दिया उसमें खाद डाली उसकी कटाई करी तो वो सारी जो हमारी मेहनत है इट ऑल गोज इनटू द वेन ठीक है वेरी क्लियर है ना तो ये जो सीड्स हैं वो हाई क्वालिटी मीन्स पैथोजन फ्री होनी चाहिए ताकि हम अपने क्रॉप की जो यील्ड है उसको सुपीरियर क्वालिटी की बना पाए ठीक है तो ये तो हो गया बेसिक हमारा कि सोइंग टेक्निक एक्चुअली में होती क्या है ठीक ये तो हो गई बेसिक सी बात अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम जब भी हमारे घर का ठीक है कंस्ट्रक्शन होता है ठीक हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें हम अपने प्लानिंग के लिए कि कौन सी चीज़ कितनी दूर होगी कौन से रूम्स कितने बड़े होंगे कैसे स्पेशियस होंगे उसके लिए हम एक आर्टिस्ट हायर करते हैं राइट उस आर्टिस्ट को हम क्या बोलते हैं आर्किटेक्ट बोलते हैं है ना इस आर्किटेक्ट का काम क्या होता है हमारा जो भी हम जितने भी रूम्स या जितनी भी स्पेस एक पर्टिकुलर चीज के लिए ऑक्यूपाई करवाने वाले हैं उसके लिए देने वाले हैं तो ये आर्किटेक्ट हमें उसके डिमेंशंस देता है वेरी इंपॉर्टेंट है ना आर्किटेक्ट उसके डायमेंशन देता है कि ये चीज इतने स्पेस में ऑक्यूपाई होके अच्छी लगेगी ठीक है जैसे कि
घर के कंस्ट्रक्शन में ये आर्किटेक्ट एक आर्टिस्ट का काम करता है, वैसे ही जब हम सीड्स को सो करते हैं तो जो हमारे फार्मर्स हैं वो भी आर्टिस्ट का काम करते हैं। अब कैसे ये वाली आर्किटेक्ट के आर्टिस्ट वाली चीज़ हमारी सोइंग के फार्मर वाले आर्टिस्ट से कैसे रिलेट होती है? देखो, जैसे यहाँ पर डाइमेंशंस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से यहाँ पर फार्मर्स कितनी दूरी पर सीड्स डाल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओवर क्राउडिंग इन द फील्ड। ओवर क्राउडिंग कहीं पर भी हो हमेशा बुरी ही होती है। आजकल स्पेशली जैसे कि कोरोना वायरस का बहुत चल रहा है, तो जितने भी लॉकडाउन हो रहे हैं वो सब इस ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए ही हो रहे हैं, है ना। सेम थिंग ये फार्मर्स भी करते हैं अपनी फील्ड में सीड्स को सो करने से पहले। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि सीड्स के बीच में ये ओवर क्राउडिंग ना हो, मीन्स एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन हो। सपोज ये एक फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड में मान लो फार्मर ने ये सपोज किया है कि इतने इतने यूनिफॉर्म इंटरवल पे मैं अपनी जो सीड्स हैं वो डालने वाला हूँ, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि क्रॉप कौन सा है, वो हम आगे आने वाले लेसन्स में नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि ये कैसे डिसाइड करते हैं। लेकिन सपोज ये जो पर्टिकुलर डॉट्स हैं ये फार्मर ने डिसाइड किया कि ऐसे मेरे को सीड्स डालनी है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ? एक तो ओवर क्राउडिंग बची। इस ओवर क्राउडिंग के बचने से क्या हुआ, इस पर्टिकुलर इस पूरे फील्ड के एरिया में ये जो हमको सनलाइट मिल रही है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक। प्लांट्स जो ग्राउंड से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे वो यूनिफॉर्म हुआ, क्योंकि हर एक सीड के लिए एक पर्टिकुलर एरिया अलॉटेड उसको मिला हुआ है अनकॉन्शियसली। तो ये सनलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ग्राउंड से वाटर का एब्जॉर्प्शन, ये सारा उसको एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी में मिलता है। मींस इस ओवर क्राउडिंग के ना होने से सबसे पहली चीज क्या हुई, कंपटीशन जो है वो अवॉइड हो गया। द सीड्स डू नॉट हैव टू कम्पीट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट ऑफ वाटर एंड ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वी अप्लाई इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ये हो गया इसका हमारा एडवांटेज, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है ओवर क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए किसी भी फील्ड में एक फार्मर के लिए, ठीक है। ये तो हो गई ओवर क्राउडिंग और सोइंग की जनरल बात। अब हम डिस्कस करेंगे इन सोइंग को हम कौन कौन से मेथड्स के थ्रू अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ दिस सोइंग टेक्निक, सबसे पहला सबसे बेसिक आता है हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स। इन ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होगा, जैसे कि फार्मर्स पुराने टाइम पर करते थे, बैलों के पीछे आपने देखा होगा सिकल शेप्ड का एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाता था, और जब वो बैल हमारे खेतों में चलते थे तो वो एक लाइन बनाते जाते थे और फार्मर्स पीछे से सीड्स बिखेरते हुए जाते थे अपने फील्ड में। वो हो गया ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, पहला। दूसरा मेथड आता है हमारा एक और सिंपल सा, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हम अपनी सीड्स को बाय हैंड अपने फील्ड में स्प्रेड करें, सिंपल मेथड है। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में हमने बुलॉक्स का यूज़ किया अपनी फील्ड में सीड्स को स्प्रेड करने के लिए, ब्रॉडकास्टिंग में हम अपने हैंड्स का यूज़ करेंगे इन सीड्स को अपनी फील्ड में स्प्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है एक और जो कि थोड़ा न्यू मेथड है, क्या, ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग में क्या होता है, यूजुअली जब ड्रिलिंग होती है तो एक मशीन के थ्रू हम ड्रिल करते हैं और फिर अपनी कोई भी चीज़ उसमें, मान लो हमने कील ठोकनी है उसमें, तो वो हम चीज़ इस ड्रिलिंग मेथड से करते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ड्रिलिंग में हम क्या करेंगे, मशीन्स के थ्रू सॉइल के अंदर सीड जो है वो ड्रिल करके डाली जाएंगी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे। तो ये हो गया थोड़ा मॉडर्नाइज्ड मेथड जिसको हमने बोला है ड्रिलिंग।
उसके अलावा एक और मेथड जो और भी मॉडर्नाइज्ड है वो है ये ट्रांसप्लांटेशन। हम सबको पता है कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है लेमैन टर्म्स में, राइट और रॉन्ग। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गन, और यहाँ पर वो पर्टिकुलर प्लांट हमने कहीं से ट्रांसप्लांट करके लाया। वो ट्रांसप्लांट हम कहाँ से करते हैं, जैसे आप लोग भी अपने घरों में करते हैं। पहले नर्सरीज में वो प्लांट्स थोड़े बड़े होने तक उगाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेमैन टर्म्स में बॉन्साई, ठीक है। उन बॉन्साई को फिर हम अपने गार्डन्स मिला के सो कर देते हैं और फिर वो पूरा प्लांट बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ मेथड्स जिनके थ्रू ये जो सोइंग मेथड है वो एप्लीकेबल कराया जाता है हमारी फील्ड्स में, ठीक है। तो अभी तक हमने दो प्रैक्टिसेस पढ़ी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर, कौन कौन सी। पहली वाली थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इस वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सोइंग, मीन्स हमने अपनी सीड्स को लगाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन सीड्स को, ये जो छोटे छोटे पौधे हमने, ये छोटे छोटे जो बीज हमने अपनी फील्ड में डाले हैं, उनको हम खाना प्रोवाइड करेंगे ताकि वो हमें खाना दे पाएं, ठीक है। तो फॉर द नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली यू हैव टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोज। थैंक यू।